और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी। मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी माँ का नाम कौन बिगाड़ता है? नम्रता से कहना चाहता हूँ, माँ तो भारत माता है। अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को माँ सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे, तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, खबरी शो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और मजेदार डिबेट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ के बीच में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौरभ जी, आपने देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी जी का कोई वक्तव्य आया है। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो डीफैक्टो राहुल गांधी जी के हाथ में है वो प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। इसलिए पहले अध्यक्ष पद उनकी जगह खड़गे जी को देना पड़ा और अब सोनिया जी को मजबूरन बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी जी के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। इसलिए यहां पर मैं प्रहलाद जोशी जी की बात का समर्थन और उसका आगे संवर्धन करता हूं। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है वो बिल्कुल संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा है, क्योंकि विशेष सत्र में क्या होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताती, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उन्हें पता होगा। परंतु मैं आगे संवर्धन यानी एक्सटेंशन उसका और करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता डिफैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदि रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहां पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। अभी अभी प्रहलाद जोशी जी का बयान आया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी जवाब दिया है सोनिया गांधी जी के की चिट्ठी का, और ये कहा है कि सोनिया जी जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनीति कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज को लेकर के। और आगे जवाब दिया गया है कि कभी विपक्ष से नहीं पूछा गया है और दलों से नहीं पूछा गया है संसद का सत्र बुलाने से पहले, और जब बिजनेस जारी करने की बात आती है किसी भी सत्र की तो वो अपने समय पर ही होता है, आगे भी किया जाएगा। मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही हैं उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूं, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूं, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बनाने, एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं, खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी, कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही है अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, तो इस तरह से बात करके आप लोकतंत्र को का मखौल जिस तरह से आपके आका उड़ाते हैं वही काम आप यहां कर करते हैं। सोनिया जी को किसी को कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है, कवर फायरिंग प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को, जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। क्यों भाई? खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जवाब तेजस्वी सूर्या दे रहे हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय जवाब देने लायक नहीं है। तो अन्यथा बेकार की बेतूल की निरर्थक बातें मत कीजिए, किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चुने हुए सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसदों के लिए थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी शालीनता अगर आप दिखाइए तो अच्छा रहेगा। दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग लोकसभा में विपक्ष को अपना शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। आपने मुझसे एक बड़ा सवाल डायरेक्ट पूछा कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं।
देखिए सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलाइन समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके, आपकी सरकार के समय में मेरिडियन होटल के पास का धमाका जिसमें आपके नेता मनिंदर सिंह बिट्टा जी के ऊपर हुआ था। याद करिए 90 का दशक तो आपको भी याद होगा, दिल्ली के हर चौराहे पे बोरियां लगी रहती थीं और उसमें पीछे स्टेन गन लेके परमानेंट तैयार रहते थे सिपाही लोग कि कभी भी कहीं भी आतंकवादी गोली चल सकती है। तो जब छावनी आवनी कहा जाए करे तो मुझे लगता है सारी बातें याद रखनी चाहिए। सुप्रिया जी को बड़ी अभद्र भाषा लगी, मैंने कवर फायर की बात कही, कवर फायर में कौन सी अभद्र भाषा हो गई? और फिर अभद्र भाषा कांग्रेस के लोग कहें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी, राहुल गांधी जी छोड़ दिए भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी, वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही है, जबकि ये तय था कि वो मुद्दे की बात कर लिया, फुल टर्म अध्यक्ष नहीं, इसमें कवर फायर नहीं था, इसमें कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। सुधांशु जी सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत माँ है, ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी माँ, हम इसको कहते हैं, इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए, इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी माँ का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, कोई सेंस है इस बात की? मत कीजिए, गलत है, माँ के प्रति असम्मान है, माँ के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी माँ के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता, अपनी माँ का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी माँ का नाम है, वो मत कीजिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, थोड़ा कम। आपने कहा कि सोनिया जी संसदीय दल की नेता है, नहीं मैंने कहा संसदीय दल की नेता है, सिर्फ टेक्निकल बात कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, बगैर किसी संवैधानिक पद के, आप भारत के संविधान में लिखा हुआ दिखा दीजिए, विपक्ष के 2 ही पद हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का संसदीय दल की कोई मान्यता हो तो मुझे बता दीजिए, बताइए कहीं पे संविधान में लिखा हो कि नेता प्रतिपक्ष संसदीय दल विपक्ष। राजू जी आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है क्योंकि कंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है। अब उस पीछे पे मत जाइए, अब आगे आइए। और आपने कहा कि मां के अपमान की बात मत करिए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत समुद्रस्य, अपनी माँ का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये काम मत। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, इसे समूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को माँ सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे, तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ क्या? घमंडिया नेवी और घमंडिया डिफेंस करिएगा, डिस्टर्ब कर, अब देखिए अनकंफर्टेबल फैक्ट्स आए, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अरे भटकाने का तरीका क्या, भटकाने का तरीका आपका है क्या? भारत की आपत्ति करते हैं आप, हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं आप, हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के सबूत नाश की बात करते हैं, वही हिंदू धर्म जिसने देश को भारत माता कहा, और आज आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने भारत माता को डैम कहा था। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।